हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज की, यानी कि बजट 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यू को करेंगे और साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। केवल हम बजट 2021 की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम 1947 से लेकर के, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 से लेकर के 2021 तक बजट संबंधी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो देखिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि सॉरी, यहाँ पे बजट होना चाहिए था। ठीक है, बजट 2021 और 2022 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन्स, जो कि केवल पेंशन और जमा ब्याज से, ठीक है, केवल जमा ब्याज से, जमा से ही ब्याज पाते हैं, ठीक है, उनको टैक्स में राहत दी गई। तो कितने टैक्स में जिन लोगों को, जिन सीनियर सिटीजन्स को राहत दी गई जो केवल पेंशन और जमा से, ब्याज से ही अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि चलाते हैं, ठीक है, ब्याज पाते हैं, तो वो 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को इस कैटेगरी में लाया गया, 50 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, या फिर 70 से या 75 से। तो राइट आंसर आपका डी है, जो लोग 75 से ज़्यादा हैं उनको इस कैटेगरी में लाया गया, यानी कि उनको टैक्स से राहत दी गई है। ठीक है, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में एफडीआई की सीमा को 74 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी एफडीआई की जो सीमा है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है उसको 74% कर दिया गया है। लेकिन हमें ये बताना है कि पहले, यानी कि 2020 में बजट आने से पहले, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में कितने परसेंट की थी, 62, 55, 35 या 49, 49? तो राइट आंसर आपका बी है, 49% की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना स्टॉक, यानी कि अपना शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही होती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। ठीक है, तो एयर इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है LIC। ठीक है, बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, यानी कि बजट 2021-22 में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कितने परसेंट, ठीक है, भारत की रेलवे को दिया है, भारतीय रेलवे को दिया है पैसा, कितना पैसा दिया है, तो 2,15,000 करोड़, या 1,41,000 करोड़, या 1,10,055 करोड़, या 3,05,984 करोड़। तो राइट आंसर है सी। ठीक है, तो 1,10,055 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इन्हें पढ़िए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में COVID-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की है, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 45,000 करोड़, या 35,000 करोड़। तो राइट आंसर है 35,000 करोड़। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, तो 2017 में, 2015, 2016, 2014, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में, ठीक है, उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। तो उज्ज्वला योजना यानी कि जो फ्री एलपीजी कनेक्शन सरकार प्रोवाइड करवा रही थी, फ्री एलपीजी कनेक्शन जो बीपीएल परिवारों को सरकार ने प्रोवाइड करवाए थे, वो उज्ज्वला योजना थी, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों को फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए। और इस बजट यानी कि 2021 का जो आपका बजट है, इसके अंदर भी ऐसा अनुमान है कि ऐसा माना गया, एक टास्क रखा गया है कि 1 करोड़ लोगों को और प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि आपको पता होगा कि 2021 का बजट क्यों स्पेशल था। एक तो उसको बही खाते का नाम दिया गया, ठीक है, दूसरा ये पेपरलेस था और पहला ऐसा हुआ था भारत के इतिहास में कि कोई पेपरलेस बजट अगर किसी ने प्रेजेंट किया था, तो वो थी हमारी हॉनरेबल निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है करंट में, ठीक है। तो एक ऐप लॉन्च किया गया यूनियन बजट के लिए, तो वो ऐप कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये योनो मोबाइल ऐप है, द बजट ऐप है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी, वो है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ठीक है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, यानी कि ये मोबाइल ऐप आपको कितनी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, केवल अंग्रेजी होगी या अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी, या फिर इंग्लिश हिंदी मराठी होगी, या इंग्लिश हिंदी मराठी या तमिल। तो केवल दो ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी। तो ये की गई थी 2021 और 22 के दौरान, यानी कि अभी जो बजट आया उसी में कहा गया कि अब पेपरलेस जनगणना होगी, यानी कि डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया, यानी कि किस कंपनी ने बनाया, इंफोसिस ने बनाया, टेक महिंद्रा ने बनाया, टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने बनाया यानी कि टीसीएस ने बनाया, या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बनाया है एनआईसी ने। तो राइट आंसर है डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बनाया है। नेक्स्ट है रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया। यानी कि पहले रेल बजट अलग आता था और केंद्रीय बजट यानी कि जो नॉर्मल बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अलग आता था, लेकिन कौन से सन से ऐसा हुआ कि रेलवे बजट और जो केंद्रीय बजट है दोनों को एक साथ लाया गया, सम्मिलित कर दिया, मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो वो 2021 से हुआ, 2019 में हुआ, 2018 में, या 2016 में, तो वो हुआ 2016 में, ठीक है। सरकार कब तक क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहती है, यानी कि सरकार का विजन क्या है कि कितने तक टीवी इंडिया से चली जाएगी, 2025, 2030, 2027, 2022। तो 2025 का सरकार ने विजन रखा है कि हम 2025 तक हम टीवी को इंडिया से निकाल फेंकेंगे, यानी कि भारत टीवी मुक्त होगा। नेक्स्ट है बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है, यानी कि जिस पेपर पे हम बजट को ड्राफ्ट करती है सरकार, वो कलर किस तरीके का होता है, किस रंग का पेपर होता है। तो वो येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, या नीला होता है। तो वो होता है ब्लू कलर, यानी कि नीला कलर, राइट। किस वित्त वर्ष ने यूनियन बजट 2021-22 पेश किया था, ठीक है, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, या निर्मला सीतारमण, या इनमें से किस वित्त मंत्री ने, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो वित्त मंत्री अभी कौन है हमारी करंट में, निर्मला सीतारमण है, और उन्होंने ही 2021 और 22 का बजट पेश किया है। सॉरी। नेक्स्ट है किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा यानी कि 10 बार बजट पेश किया है, 10 times बजट पेश किया है, कौन से ऐसे वित्त मंत्री रह चुके हैं भारत के। तो निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, या मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, मोरारजी देसाई, ठीक है, जिन्होंने कि 10 times बजट पेश किया है। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, यानी कि पहली बार जब भारत में बजट आया था तो किस इंसान ने पेश किया था, उसको कौन लेके आया था, किसने पारित किया था। तो आर के सनमुखन चेट्टी ने, एडम स्मिथ, या जेम्स विल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जेम्स विल्सन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या ये सभी। तो इन सारे ही लोगों ने बजट पेश किया था, ठीक है। अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता है, ठीक है, पेश होता था, लेकिन वर्ष 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया, और किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया गया। यानी कि पहले अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 5 बजे होता था, लेकिन अब 2001 से इसे चेंज कर दिया गया और इसे मॉर्निंग के 11 बजे बजट को पेश किया गया। लेकिन ये पहली बार किसने किया, कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे। तो यशवंत सिन्हा थे, पी चिदंबरम थे, जसवंत सिंह थे, या मनमोहन सिंह थे।
तो ये थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट इंदिरा गांधी ने, जॉन मिथाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या आर के सन्मुख चेट्टी ने? तो राइट आंसर आपका डी, आर के सन्मुखन चेट्टी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? बजट 2021-22, बजट 2016-17, या बजट 1973-74, या इनमें से कोई नहीं। तो बजट 1973 यानी कि 1973 और 74 को, ठीक है। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? एडम स्मिथ, पीसी महालनोबिस, या जेम्स विल्सन? इनमें से कोई नहीं, तो ये है जेम्स विल्सन। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020 और 21 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में क्या है? ब्याज भुगतान करना, रक्षा व्यय करना, ठीक है, या करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बी है, करों और ड्यूटी में राज्य का हिस्सा। केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? माल और सेवा कर, आयकर, कॉर्पोरेशन टैक्स, उधार, या अन्य देनदारियां? तो राइट आंसर है डी, उधार और अन्य देनदारियां, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020-21 में कर स्लैब की दर नहीं है? 10%, 15, 25 या 40? तो 40% जो टैक्स स्लैब है वो नहीं है, यानी कि 10, 15 और 25 तीनों हैं, ठीक है। 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य क्या है? 1,73,000 करोड़, 65,000 करोड़, 2,10,000 करोड़ रुपए, या 1,05,000 करोड़? तो राइट आंसर बी है, 2,10,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? दुश्मन हारेगा देश जीतेगा, उड़े देश का आम नागरिक, या सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, या इज ऑफ लिविंग? तो राइट आंसर आपका बी है, इज ऑफ लिविंग। ठीक है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? ये अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर, ना तो प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष, तो ये राइट आंसर आपका बी है, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? 20%, 35%, 30% या 40%? तो राइट आंसर 30%, ठीक है। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, हिंदी, जर्मन या फारसी? तो राइट आंसर है ए, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऐसे कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया था, यानी कि जिन्होंने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, या यशवंत सिन्हा? तो ये थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने कि सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इंडियन बजट में ब्लू प्रिंट को क्या कहा जाता है? तो ब्लू प्रिंट को क्या कहा जाता है? ब्लू बल्ब, ब्लू नाइट, ब्लू बम, या ब्लू शीट? तो उसको ब्लू शीट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चुनाव वाले वर्ष यानी कि इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? अगर कोई इलेक्शन ईयर हो, चुनाव वाला वर्ष हो, तो बजट को कितनी बार पेश किया जा सकता है? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार भी नहीं, तीन बार या दो बार? तो उसको दो बार किया जा सकता है, राइट। कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे? 5, 6, 7 या 8? तो भारत सरकार की ऐसी योजना है कि टेक्सटाइल सेक्टर में विशेष ध्यान देना है, उसको बूम करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर के 7 और नए पार्क अगले 3 साल में लॉन्च किए जाएंगे, तो ठीक है। जो लोग टेक्सटाइल के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए सरकार ने काफी अच्छा फंड दिया है, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका स्टॉक ऊपर जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लेह में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह में
बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है। वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि की एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000, 4,000 करोड़। तो राइट आंसर है 1,000 करोड़ की। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? 1,500 करोड़, 3,000 करोड़, 2,500 करोड़, 4,000 करोड़। तो राइट आंसर है 1,500 करोड़ रुपए, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा राज्य को कितने आवंटन की घोषणा की है? 400 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ या 500 करोड़। तो 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, साल 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%, सकल घरेलू उत्पाद का 9.3% या सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% या सकल घरेलू उत्पाद का 9.6%। तो राइट आंसर है सी, सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर है आपका ए, ये की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता है क्या? आता है केंद्रीय बजट के अंतर्गत, केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता है यानी कि किस आर्टिकल के अंदर आता है केंद्रीय बजट? आर्टिकल 112, आर्टिकल 360, आर्टिकल 148, आर्टिकल 336। तो राइट आंसर है आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 के अंदर केंद्रीय बजट आता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए FM कितनी राशि की घोषणा की गई है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं उनको कितना पैसा देने की योजना बनाई है या घोषणा की है? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 15,000 या 18,000 करोड़। तो राइट आंसर है आपका 20,000 करोड़ रुपीज देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके रिविजन के लिए मैंने डाले हुए हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए एक बारी। तो स्टार्टअप के लिए टैक्स होलीडे एक और वर्ष यानी कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। कॉपर स्क्रैप का सीमा शुल्क 2.5% है, स्टील स्क्रैप पर छूट शुल्क मार्च 2022 तक है। सौर लालटेन पर सीमा शुल्क में कितनी कटौती हुई है? तकरीबन 5% की। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का कितना विस्तार किया जाएगा? 7,400 परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तमिलनाडु को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो 1.03 लाख करोड़ रुपए है। पावर ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को पावर ग्रिड में हस्तांतरित किया जाएगा, तो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इस चीज के लिए दिए गए हैं सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 42 क्वेश्चंस जो कि बजट से रिलेटेड थे, और 200% चांसेस हैं कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, थैंक यू।